क्या आप भी अपने घर का पार्किंग में स्टेनलेस स्टील का दरवाजा लगाना चाह रहे हैं? स्टेनलेस स्टील वजन में हल्का तो है, लेकिन यह आपके पॉकेट को भी हल्का कर देगा, मतलब खाली कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि लोहा का दरवाजा थोड़ा भारी होता है और कॉस्ट भी कम पड़ता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का दरवाजा हल्का भी है और थोड़ा कॉस्ट भी ज्यादा होता है, और साथ ही जो है देखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा स्टेनलेस स्टील का दरवाजा। तो आज हम आपको, अगर आप भी चाहते हैं आप अपने घर के पार्किंग में, चाहे पार्किंग हो चाहे घर का दरवाजा मेन दरवाजा में स्टेनलेस स्टील का दरवाजा गेट लगाना, तो भाई क्या खर्च पड़ेगा, यहां पे हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। और ये जो रेट बताऊंगा आपका, एक एग्जांपल लेकर के यहां पे जो 7 फीट बाय 10 फीट का ये दरवाजा है, जिसका हम पूरा बताएंगे, मतलब 7 फीट हाइट हो गया, चौड़ाई हो गया 10 फीट, उससे भी ज्यादा ले सकते हैं, बस आपको पर स्क्वायर फीट या पर केजी रेट पता चल गया, आप जो है आराम से निकाल लेंगे। तो एक दरवाजा पे कितना खर्च पड़ेगा वो सब कुछ बताएंगे, इवन मटेरियल के साथ विथ प्लस फिक्सिंग के साथ, मतलब मटेरियल जो है प्लस फिक्सिंग, दोनों हम रेट इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं भाई क्या कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, और जब एसएस लगा ही रहे हैं तो अच्छे कंपनी का लगाइए। अब कौन सा कंपनी का लगाना है जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं एसएस का, स्टेनलेस स्टील का गेट का रेट एनालिसिस को लेकर के। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे पहले आप जान लीजिए इसका जो है कॉस्ट एक गेट पे, ये डिपेंड करता है किस पे कि भाई ऑन वेट पे, कितना वजन है या डिजाइन, कैसा डिजाइन आप जो है बनाते हैं। मैं जो रेट बताऊंगा हो सकता है डिफर करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है कुछ ज्यादा स्टेनलेस स्टील लगा दिए होंगे, हो सकता है कम लगाए होंगे, सीट कम लगाए होंगे और स्क्वायर बार जो है वो ज्यादा लगा दिए होंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड ये भी करता है वेट पे प्लस थिकनेस जो रहेगा सीट का उस पे, प्लस साथ ही जो है स्क्वायर बार पे ये भी। अब कुछ लोग स्क्वायर बार पतला लगाते हैं, कुछ लोग स्क्वायर बार बड़ा लगाते हैं, तो ये सब चीज डिपेंड करेगा। तो अब जो है हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएस का जो है रेट का। ये आपका ग्रेड एक 304 ग्रेड का आता है, ये आपका पड़ता है 300 पर केजी, किस कंपनी का, जिंदल कंपनी का। ठीक है, और लेबर जो लेगा 150 पर केजी फिक्सिंग का लेगा, 150। ठीक, और ये रेट आपका 300 से लेकर के 350 तक आप जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर के या कुछ अलग अच्छा कंपनी का लिंक है तो, ये 300 से लेकर 350 तक आपको डिफर करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, रेट 350 प्लस 150 तो 500 पर केजी, ये एवरेज ले सकते हैं, मतलब 450 से लेकर के 500 केजी इसी बीच में आपका डिफर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिला करके फिक्सिंग सब मिला करके, यहां तक तो ठीक है ना। अब ये जो दरवाजा लगाएंगे हम, ठीक है, 7 फीट बाय 10 फीट का डोर लगाए विथ फ्रेम के साथ, साथ ही सीट के साथ, ये आपका जो है 50 से लेकर के 70 केजी आएगा, फिर से 50 से लेकर के 70 केजी आएगा ये डबल शटर का। ठीक, इतना तक तो ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं भाई 70 केजी का, तो कॉस्ट क्या पड़ जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट हो जाएगा 70 केजी इंटू 500, तो कितना हो जाएगा 35,000 आपको पड़ जाएगा ये लगाने में, एक अगर आपका
लोहा का, सॉरी लोहा कहते हैं स्टेनलेस स्टील का गेट में पार्किंग का। इसी तरीके से जो रेट जो मैं बता रहा हूं कि अगर आप लगाते हैं, ये तो हो गया आपका पार्किंग का, फिर इसी तरीके से अगर आप लगाते हैं घर का मुख्य दरवाजा, वो अगर 20 से 25 किलो आया उसके हिसाब से रेट कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ, इसी जगह पे जो मैंने 35,000 एक दरवाजा का पड़ा, इसी जगह पे अगर आप लगाएंगे लोहा का, ये आपका डायरेक्ट रेट जो है कम हो जाएगा, आपका 10,000 से 15,000 तक बीच में आराम से हो जाएगा। हाँ, अगर उसमें भी जो है अगर आप ग्रिल वाला बनाते हैं तो और भी कम लगेगा, 10,000 से भी नीचे तक में हो जाएगा, हल्का और जितना करेंगे और स्क्वायर बार का जितना हल्का करेंगे। तो लोहा का थोड़ा सा कम पड़ेगा, और इसमें अगर होलो वाला बनाएंगे जैसे जितना वेट होगा वजन उतना आपको कॉस्ट देना होगा, तो वो भी 10 से 15 तक में हो जाएगा। ये जो है 35,000 तक में आपका, जो 35 से 40,000 अगर लेके चलेंगे तो उतना में कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही था दोस्तों उम्मीद करते हैं। तो क्या आपने अपने घर के पार्किंग में स्टेनलेस स्टील का दरवाजा लगाया है तो कितना खर्च पड़ा है आप उसको हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने जो लगाया है हमने आपको बता दिया, आपका कितना पड़ा टोटल कॉस्ट वो जरूर बताइएगा। और अगर हाँ ये वीडियो पसंद आया जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बचेगा। तो जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को न्याय वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।